हमारी बार जोर करके बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है। घर का मालिक कौन है? कहाँ गए? आगे तो क्या नाम है? मनीष बंसल। मैंने क्या नाम दिया? श्री मदन मोहन दास। और घर वाले कहाँ गए? मैंने क्या तुम्हें नाम दिया था? राधा रानी। बस घर पर राधा कृष्ण दोनों ही आ गए। बैठ जा। हाँ दादी जी, अच्छी बात है। ठीक, क्या नाम पिताजी की? नरेंद्र कुमार जी। ठीक बैठ। हाँ देखो, आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है। आज इनके घर में भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है। इसलिए ये भगवान की जो कथा, जो भगवान का जो कीर्तन, ये जो सत्संग है, ये साधारण भाग्य से जीव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भागवत में एक श्लोक आया है, कहते भवा अपवर्ग भ्रमित जदा जनस्य तही अचूत संत समागम। इसका मतलब है जीवन में ये संतों का संग कब मिलता है? बोले हम अनादिकाल से भगवान से बिछड़ करके 14 ब्रह्मांड और 84 लाख योनि में हम भटक रहे थे। कभी पशु, कभी कीड़े, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी राजा, कभी प्रभु, कभी दास। हम ऐसे ही अनंत करोड़ ब्रह्मांड में हम ऐसे ही भटक रहे हैं। कभी ये भटकते भटकते जान और अनजान में हमारी कुछ अच्छी संस्कार बनती है। बच्चे को बैठा दो बोले। इसलिए जान और अनजान में कहीं ना कुछ अच्छी संस्कार बन रहे हैं। जैसे कुछ साधु संत के लिए कुछ कर दिया, ठाकुर जी की प्रसाद लगा दिया, तुलसी परिक्रमा की, जैसे भागवत कथा सुने हो। ये जो भागवत संबंधी जो वस्तु है ना, ये कभी खत्म नहीं होता है। ये अच्छे अच्छे एक चीज समझो, अच्छे तरह दिमाग लगा करके, तीन चीज है। कहते हैं पाप है, एक पुण्य है, एक सुकृति। इसका फल को समझो। कहते ये पाप किसको कहते हैं? बोले धर्म विरुद्ध कर्म ये पाप है। जैसे शराब पीना, मांस खाना, बेस्या घर में जाना, जुआ खेलना है, और गंदी गंदी काम करना, दूसरों को कष्ट देना, सताना, इसको कहते हैं पाप। कहते इसका फल क्या है? बोले नरक। लेकिन जब नरक से फिर पाप खत्म हो जाता है, फिर दुनिया में फिर यहीं पर आओगे, फिर उसी जन्म मृत्यु चक्कर में फंसोगे। एक होता है पुण्य। बोले पुण्य किसको कहते हैं? जैसे दुखी दरिद्र को खिलाना, स्कूल कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल बनना है, दूसरों को कल्याण करना, इसको कहते हैं पुण्य। बोले इसका फल क्या? बोले स्वर्ग। बोले कब तक स्वर्ग में रहोगे? बोले जावत पुण्यम न समाप्यते। जैसे बैंक में कुछ पैसा है, कब तक मिलेगा? जब तक खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए पुण्य कर्म करके स्वर्ग तक तो जाएंगे, लेकिन पुण्य खत्म होते ही फिर यहाँ ये संसार में फिर तुमको आना ही पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकोगे। तीसरी चीज है, ये चीज को समझो, जिसको कहते हैं सुकृति। ये जो सुकृति है ना, अभी जो पाप और पुण्य कर रहे थे तो ना खत्म हो रहा था। बोले क्यों? ये जो पाप और पुण्य ये शरीर संबंधी वस्तु है। जैसे एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये पाप पुण्य भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक तीसरी चीज है जिसको कहते हैं सुकृति। सु मतलब अच्छा, कृति मतलब करना, अच्छी कृति। वो क्या है? कहते वो आत्मा संबंध है, वो आत्मा को साथ में जुड़ा हुआ। जैसे आज कथा सुन रहे हैं, ये आत्मा संबंध है। जैसे कि पिंजरा में तोता है, जैसे हम पिंजरा को तो पेंटिंग करते हैं, लेकिन तोता को खाना नहीं खिलाते, तो एकदम तोता खत्म हो जाएगा। ये शरीर पिंजरा, लेकिन तोता को अंदर में जो बैठा हुआ, अगर इस शरीर को खिलाओगे तोता को नहीं खिलाओगे तो मर जाएगी। इसलिए जो आत्मा संबंधी वस्तु है, जो भगवत संबंधी वस्तु है, कभी कभी खत्म नहीं होता। ये केवल जन्म जन्मांतर में ये केवल तुम्हारी संचित हो रही है। जैसे वृंदावन धाम में जाओ, तुलसी परिक्रमा, ठाकुर को भोग लगाना, जैसे ठाकुर का कीर्तन में नाच रहे थे, ठाकुर का कीर्तन में, ये सब कैसे सुकृति? क्यों? ये भगवत संबंधी, ये आत्मा संबंधी, भगवान से जुड़ा हुआ, ये कभी तुम्हारी खत्म नहीं होगा, ये केवल तुम्हारी डिपॉजिट रहता है। बोले भैया इसका फल क्या है? पाप पुण्य तो ना खत्म हो गया, लेकिन इसका फल क्या है? बोले इसका फल है
भगवत भक्तों का संग। अगर तुम्हारी ऐसे सुकृति इकट्ठा होगा ना, ठाकुर जी लास्ट में लेकर तुमको संतों का संग दिला देंगे। बोले संत सत्संग से क्या होगा, बोले सत्संग से फिर जीव को पता चलेगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जाना कहाँ है, जिनको साथ में ये संबंध है। फिर एक दिन ये संबंध टूटता है क्यों, अगर ये अपना होता तो एक दिन ये क्यों टूटता है, ये आत्मा कौन है, ये परमात्मा कौन है। कहते सत्संग में ये दिव्य ज्ञान जीव को प्राप्त होता है, इसलिए कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनो सुलभ नाश हो। सत्संग के बगैर जीव का कोई कल्याण नहीं होता है, हैं? जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होना जब तक तब तक ये सत्संग जीव को प्राप्त नहीं होता है, हैं? इसलिए शास्त्र में बताया, चुपचाप बैठो, अभी कोई काम नहीं करना, कोई खड़े नहीं होना, आप भी कथा सुनो, आप कथा नहीं सुनते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, आप कथा सुनो, कथा सुनोगे तो ज्ञान होगा, दूसरों को सुना सकते हो, जैसे हर समय इतना है, ठीक है, हाँ, कथा के समय में ध्यान दे सकते हो। इसलिए कहते हैं ये भवा अपवर्ग भ्रमित चता जनस्य तही अच्युत सत्समागम। कहते ये अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 जब ये सुकृति हमें इकट्ठा होता है, पर ये संतों का संग जीव को प्राप्त होता है। लेकिन सत्संगम जही, जब सत्संग होता है पर जीव अपना तत्व को ये फिर समझता है, आत्म तत्व को समझता है, पर जब आत्म तत्व को समझता है फिर क्या करता है, जीव फिर भगवान का भजन करना शुरू कर देता है, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है। और भक्ति करते करते क्या होगा, एक दिन भगवान के चरणों को प्राप्त होगा, जहाँ जाने से जीव कृष्ण गीता में कहते जल गत्वा न निवर्तन्ते, कहते हे अर्जुन जहाँ जाने पर जीव कभी संसार में दोबारा और आना नहीं पड़ेगा। लेकिन पुण्य का फल क्या है, कहते आप्रम भुवन लोकात पुनरावर्तन अर्जुन, अगर पुण्य कर्म करके कोई ब्रह्म लोक तक भी चले जाए लेकिन पुण्य खत्म होते ही फिर यही आओ, दुख कष्ट फिर भोगो। लेकिन जो भगवान की भक्ति भगवान का नाम भजन करते हैं ना, फिर ये संसार में नहीं आओ। इसलिए कृष्ण कहते हैं माम उपतुतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अर्जुन जब जीव मेरे पास में आ जाते हैं फिर ही संसार का जन्म मृत्यु का चक्कर में फिर वो भटकता है। लेकिन वो कृष्ण भक्ति का फल है। लेकिन जो कोई देवादेवी का जो पूजा कर रहे हो इधर उधर देवादेवी, उसका फल क्या है, देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले जाति देवा व्रता देवा, जो देवादेवी को पूजा करता है वो देव देवलोक में जाते हैं, पितृनि जाति पितृव्रता, जो पिता माता की सेवा करते हैं एक लोक है, पितृलोक है, पर वो वहां पर जाएगा, जाति माम जाचना भीमा, लेकिन जो मेरे को पूजा करते हो मेरे पास में आएगा, मेरे पास में आएगा। अरे बोले इसका फर्क क्या है, इसके फर्क क्या है, बोले देवलोक पवित्र मातृलोक स्वर्गलोक पर फिर पतन होगा, लेकिन जो प्रभु की भक्ति करते हैं भजन करते हैं कहते उसको जगत में दो बार जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए बड़े भाग्य से इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता, भगवान खुद कह रहे हैं ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को संतों का दर्शन होता है, किसी भगवान। इसलिए जब हनुमान जी विभीषण से मिले, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी राम के सबसे प्यारे भक्त, तब तो विभीषण क्या कहते हैं, आज मोए भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, जो रघुबीरी मोहे अनुग्रह की तो मैं दर्श हटे, लगता है मेरे परे प्रभु राम की कोई विशेष कृपा हो गई, जो कि आज हमें हनुमान जी का दर्शन हुआ है, लगता है प्रभु राम मिलने में कोई देर नहीं। मतलब जब कोई संत मिल जाते हैं, शुद्ध संत मिलने चाहिए, ऐसे नहीं घर में ज्ञानी इधर उधर भटकते हुए, नहीं कोई वैष्णव संत मिलनी चाहिए, जब उनकी संग मिलता है जीव को दिव्य ज्ञान की प्राप्त होता है, पर वो भगवान की तरफ में बढ़ता है, भगवान की भक्ति को तरफ में बढ़ते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें साधु संग करना पड़ेगा, भक्तों की सेवा करना पड़ेगा, इधर उधर सेवा करने से काम नहीं चलेगा, फिर तो तुमको ले जाएगा कहीं स्वर्ग पर, तो दुनिया में देव देवादेवी लोक में तुम फिर भटकते रहोगे। लेकिन जब भक्त उद्देश्य में कुछ करेंगे भगवान के उद्देश्य में, फिर इसका फल हमें भगवत प्राप्ति हुआ। देखो कोई एक बुढ़िया थी गाँव में, वो बड़े कंजूसी है, एक पैसा भी उसका हाथ से नहीं निकलता,
एक संत जाते थे रोज गांव में भिक्षा लेने के लिए, जो कुछ उनको भिक्षा मिलता था ला करके ठाकुर के सेवा में लगाते थे, साधु संत की सेवा में लगाते थे। लेकिन एक बूढ़ी मैया बड़ी कंजूसी, एक पैसा हाथ से नहीं निकलता, लेकिन संत बड़े दयालु, संत बड़े दयालु, रोज जाते हैं घर में भिक्षा लेने के लिए, लेकिन रोज वो गाली बकती थी, बोले तेरे को शर्म नहीं लगता है, तो भीख मांगने के लिए आ गए। पहले पहले क्या होता था, मिट्टी और गोबर, मिट्टी गोबर से घर की लिपा पोता कर रहे थे, और मिट्टी गोबर से घर की लिपा पोता कर रही थी, इतने में सवेरे सवेरे संत आ गए, बोले बाबा कुछ भिक्षा दे दो, माता जी कुछ भिक्षा दे दो। बोले शर्म नहीं लगता, सवेरे सवेरे आ गया फिर, बोले भिक्षा लोगे? और जो मिट्टी और गोबर का जो कपड़ा जो पोता हुआ था ना, उठाया और ले ए, उसको ऊपर मारा फेंक कर। लेकिन संत तो बड़े दयालु, वो कृपालु है, बोले भैया अभी तक तो कुछ भी नहीं दे रहा था, आज तो कुछ भी तो दे दिया। उसको लेकर गए नदी में मल मल करके धोए और उसको सुखाया, सुखा करके शाम को उसका पत्ती बनाई और घी में उसको भिगो करके भगवान की आरती उतारी, ठाकुर जी की उसने आरती उतारी। बोले जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलना, आरती करे ललिता दिस की धारा, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखी पूछा चूड़ा। जब ठाकुर जी का आरती उतारी, लेकिन वो कपड़ा किसकी थी? वो बूढ़ी माता जी की। लेकिन अभी कहाँ सेवा में लग गया? बोले ठाकुर के सेवा में लगा। जब भगवान की सेवा में लगा, देखो ठाकुर का सेवा में जब हमारी कोई चीज लग जाती, इसका कितने महत्व देखो। जब उसने ठाकुर का सेवा में आरती उतारने लग गई, वो जो बूढ़ी माता जी थी ना, बड़े कंजूसी, एक पैसा नहीं निकलता था, उसका हृदय अपने आप परिवर्तन हो गया, उसकी हृदय बदल गई। वो सोच रही है, भैया मैं तो बड़ी गड़बड़ी किया, संत आते थे कोई भी पैसा नहीं देता, लेकिन आज हमने गोबर और मिट्टी से पोता हुआ मैंने कपड़े को फेंक करके मारा, मेरे पाप हो गया, अपराध हो गया। जब कल वो साधु आएंगे ना, फिर बाबा को कुछ सेवा करेंगे, उनके चरण में माफी मांगेंगे। रोज बाबा आते ही गाँव में, रोज तो गाली बकती थी, लेकिन जब बाबा आए गाँव में और दूर से, बोले बाबा आज मेरे घर में आई हो, आज मैं संत बोले रोज तो गाली देती थी, घर में कैसे बुला रही है? हाँ ये तो गाली देती थी, घर में कैसे बुला रही है? इतने में संत आए, उनको बैठाए, प्रणाम किया, माफी मांगे। बोले बाबा कल आपको मैंने गोबर और मिट्टी से पोता हुआ कपड़े मैंने आपको फेंक करके मारा, मेरे अपराध हो गया, माफ कर दो। फिर उन्होंने थोड़ी बहुत उनको भिक्षा दिया। जब भिक्षा दिया, उन्होंने क्या करते थे? ठाकुर की सेवा में लगाते थे, भगवान की सेवा में लगाते थे। कोई चीज जब भगवान की सेवा में लगे ना, जब ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, बस जीवन परिवर्तन हो जाता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसलिए भागवत कहता है, वो साधारण भाग्य से संतों की संगत जिनकी नहीं मिलती है, बड़े भाग्य से कई संतों की संगत मिलता है। संत संग मिल गया मतलब है, ये समझो संसार का दुख कष्ट हमारे खत्म हो गए, संसार की दुख कष्ट हमारी खत्म हो गई, और ये जन्म मृत्यु का चक्कर में और भटकना नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर में ठाकुर का कोई कृपा हुई है, इस बार जन्म मृत्यु समाप्त और कहाँ जाएंगे? भगवान की चरण में, हमें ठाकुर जी की चरण में हमें स्थान मिलने वाले हैं। इसलिए कहते हैं करोड़ों जन्मों का पुण्य से कहीं संतों की संग्रह में प्राप्त होता है। कहते भैया सत्संग में क्या फल मिलता है, फल क्या मिलता है? एक छोटी स्टोरी सुना। बोले एक समय कोई एक राजा था और उसको बेटा था, कभी बेटा ने थोड़ी कुछ गड़बड़ी की तो इतने में राजा तो बिगड़ गया। राजा बिगड़ करके बच्चे को बड़ी डांट लगाया, लेकिन जो बच्चे को जो डांट लगाए ना, बच्चा ने अभिमान करके बोले पिताजी ने मेरे को इतने डांट लगाए, गाली बकी, उसने राज्य छोड़कर चला गया बच्चा। तो राज्य छोड़कर चला गया, एक ही बेटा जो भविष्य में राज सिंहासन को जो संभालने वाले, जब उसने छोड़कर चला गया, राजा तो बड़ी दुखी हो गया। उसका जो मंत्री देखता है, राजा हर समय कुछ चिंता करते रहता है, मन में शांति नहीं इसमें। एक दिन मंत्री ने पूछा, राजा लगता है तुम्हारे मन में शांति नहीं, सुख नहीं, तुम हर समय कोई कोई खोए खोए होकर रहते हो, क्या बात है? तो मंत्री बड़े दुखी होकर के बोले, बोले महाराज, बोले महामंत्री, मेरा एक बेटा था, लेकिन थोड़ी कुछ गड़बड़ किया, मैंने डांट लगाया तो उसने घर छोड़ करके चला गया। अभी तो मैं बड़े चिंता में हूँ,
भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले महाराज अगर आपकी आदेश हो फिर आपको बच्चे को मैं ढूंढने के लिए जाऊँ। बोले ढूंढ कर ले आओ तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। अभी वो ढूंढने के लिए गया मंत्री, ढूंढते 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 देखा वो जो बच्चा है ना किसी चाय दुकान में प्लेट धो रहा है। कौन है? राजा का बेटा। एक दिन राज्य का राजा आने वाले, लेकिन काम क्या कर रहा है? चाय की दुकान में प्लेट धो रहा है। इतने में मंत्री राजा के बेटे को देख करके ना वो हठात जाकर के बोला नहीं राजा मेरे को भेजा। उसने किया कि वो भी जाकर काम करना शुरू किया और उसको साथ में एकदम मित्र बन गया, एकदम एकदम घनिष्ठ मित्र बन गया। मित्र बन करके जब एकदम मित्र बन गया, एक दिन उसने पूछा मंत्री ने, बोले देव तेरे को तो देखने से लगता है तो साधारण घर के नहीं लग रहे हो, लंबे चौड़े देखने में इतने सुंदर लग रहे हो, ये क्या बात है? तो यहाँ पर प्लेट क्यों धोते हो? इतना बोलते ही ना वो जो राजा का बेटा था ना रोने लग गया। वो रोने लग गया, बोले बता क्या बात, क्यों रो रहे हो? तो उनने सारी कथा सुनाई, देश का राजा का मैं बेटा हूँ, एक दिन मैंने थोड़ी बहुत गलती की तो पिता ने मेरे को डांट लगा दिए और मैंने राज्य छोड़ करके यहाँ आकर के पेट को पालने के लिए मैं यहाँ बर्तन धोता। इतने में जब ये बात उसने बोले, इतने फिर मंत्री अपना परिचय देता है, बोले देखो वो जो राजा है उसका मैं मंत्री, वो राजा ने मेरे को तुमको ढूंढने के लिए भेजा है, इसलिए ढूंढने के लिए भेजा। तुम जितने दुखी है ना तेरे से ज्यादा दुखी तेरे पिता है, क्योंकि राज संभालने वाले तुम ही था और तुम घर को छोड़कर चले आए। इसलिए बच्चा बोले मैं जाने पर पिता मेरे को रखेंगे घर में? बोले रखेंगे क्या, तेरे से ज्यादा दुखी तो तेरे पिता ही है, वो तो मेरे को भेजे मेरे बेटे को लेकर के आओ है। अरे बोले चलो मैं तेरे बेटे को पास फिर पिताजी को पास में अरे ले चलता हूँ। फिर उसने क्या किया, उसने ला करके बेटे को किसको पास में दे दिया? राजा को पास में दे दिया। अरे बेटा माला ही तो देश का राजा बनने वाले, देखो वो बेटा और कहीं नहीं, वो बेटा हम ही है, बेटा हम ही है। पिता हमें आदेश दिया, देख बेटा तुम मेरे संतान हो, तेरा कर्तव्य मेरी सेवा करना। लेकिन हमने क्या किया, बोले तेरी सेवा नहीं करेंगे हम, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, माया की सेवा करेंगे, दुनिया की सेवा करेंगे। भगवान डांट लगा, बोले तू मेरे औलाद हो, अमृत से पुत्रा तुम हो, मेरे संतान अगर माया की सेवा करोगे तो माया की सेवा करो, जाओ देख ले, जा संसार में जाकर देख ले। फिर हम संसार में आ गए, बताओ संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी दुखी है कि नहीं? बताओ संसार में कौन सुखी है? कोई बोल सकता है संसार में सुखी है? इसलिए ठाकुर खुद कहते हैं दुख का घर है, जिसने बनाया खुद कहते हैं दुख का घर ही है। इसलिए आ करके हम क्या कर रहे हैं, संसार में तरह तरह का भटक रहे हैं, हाँ संसार की डंडा बढ़ रहा है। लेकिन है कौन हम लोग? हम भगवान की संतान, उसकी बच्चा है, हैं? लेकिन वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। फिर वो क्या करता है, ये जीव को अपना पास में ले जाने के लिए जगत में संतों को भेजते हैं, संतों को गुरु जी को भेजते हैं, संतों को। बोले भैया मेरे बेटे को वापस ले आओ, मेरे बेटे को वापस ले आओ, हम बड़े दुखी है, हैं हम बड़े दुखी है। फिर इस जगत में संत आकर के हम समझाते हैं, भैया तुम यहाँ के है नहीं, ये रिफ्यूज होकर दो दिन के लिए आए हो, तीन दिन में जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे जो असली घर है कहाँ पर? ठाकुर जी के चरण में। इसलिए बोले बैक टू घाट है, बोले अपना घर में वापस चलो, अपना घर में वापस चलो। चलोगे घर में अपना? कौन कौन जाना चाहते हैं असली घर में? सब जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वहाँ जाने के लिए वहाँ की जो टिकट है टिकट लेना पड़ेगा, फिर तो जा सकते हो। वहाँ का टिकट क्या है? बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही वहाँ का टिकट है। अगर ये टिकट खरीद कर लोगे ना, बस कहाँ चले जाओ? अपना घर में चले जाओ, ठाकुर जी की पास में चले जाओ। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान के नाम जप करनी चाहिए। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, जानते हैं कलयुग का जीव कष्ट कर नहीं सकता है,
इसलिए चलते फिरते उठते क्या करो, भगवान की नाम कर लियो, भगवान की भजन करो, फिर क्या करो अपना घर में वापस चलो। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, आप लोग का परिवार है सबके साथ? और कौन है? अड़ोसी पड़ोसी से कहाँ से आए? ये आपको पड़ोसी। और बाकी सारे हमारे हम कोर्ट में मुलाजिम है, मेरे खुद हम कोर्ट में मुलाजिम है जी। हम पीछे जो बैठे कौन है? ये पड़ोसी है, पड़ोसी है सबके साथ। और भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, और गलती चीज से दूर रहना। ठीक है ना, किससे दूर रहोगे? हाँ, गंदी क्या चीज है? बोले चार चीज गंदी चीज है। बोले पहला नंबर, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। लगता है कोई जुआ नहीं खेलता हो? खेलता हो कोई जुआ? जुआ नहीं खेलनी चाहिए। कहते कोई नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। नस्ली वस्तु में पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। लगता है कोई चीज नहीं लेते हो? शराब खराब तो नहीं पी लेते हो कभी? हाँ, कोई नहीं पीता है ना शराब? तो कोई नहीं पीता है ना। हाँ, शराब से दूर रहना। और जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। और प्याज भी नहीं खानी चाहिए। लगता है प्याज सब खाते होंगे ना? कोशिश करना कोशिश करना जो प्याज है ना, प्याज को छोड़ करके जो कुछ खाओ, भगवान की भोग लगा कर खाओ। जैसे नवरात्रि आ गई थी ना, नवरात्रि में 9 दिन तक प्याज लहसुन खा रहे थे? कोई नहीं खा रहे थे ना 9 दिन तक? प्याज लहसुन खा रहे थे नवरात्रि में? नहीं खा रहे थे ना? क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा? जो 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 चीज माता जी को पसंद नहीं ना, वो चीज हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए। जो चीज ठाकुर नहीं ग्रहण करते, वो चीज हमें भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो चीज ठाकुर जी को पसंद है, जो चीज माता जी को पसंद, वो चीज हमें भी पसंद आनी चाहिए। ठीक है ना। ये जो प्याज लहसुन है, ये तामसिक भोजन है। ये इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। शुद्ध आहार करेंगे फिर मन शुद्ध बनेगा। गंदी चीज खाओगे मन गंदी होगा। इसलिए जो प्याज लहसुन है ना, सुन लो, ये प्याज लहसुन जो पीछे से बैठे ध्यान से सुनो, ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए? ध्यान देकर सुनो। कहते पहले पहले ऋषि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे। गो माता है, इसलिए अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती तो उसको मन नहीं देते थे। यज्ञ करते थे, यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे। फिर जब मंत्र पढ़ते थे, बूढ़ी गैया भी जवानी बन जाती थी। अभी कोई आश्रम में गैया बूढ़ी बन गई, यज्ञ के अनुष्ठान की, सबका हाथ में मांस दे दिया, बोले सबके सब आहुति डालना। हर तरह के व्यक्ति होते हैं। किसने ये लाल लाल मांस को देकर खाने की इच्छा होगी? बोले खाए कैसे सबको सामने? बोले उसको राख में छुपा दो, छुपा दे, सबके सब अग्नि में आहुति डाले। लेकिन जब दोबारा मंत्र पढ़े, वो बूढ़ी गैया एकदम जवानी बन कर निकली। लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था ना, इतना बड़ा घाव बना हुआ, भरा नहीं। क्यों? वो तो छुपाया उसको। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा, ध्यान लगाए, देखा किसने मांस खाने के लिए छुपाया, अभिशाप दे दिया। बोले जहां पर ये मांस को छुपाया, जैसे मांस लाल लाल रंग के, वहां पर प्याज की पौधा हो गया, प्याज भी लाल लाल रंग के बनेगा। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, अब कच्चा प्याज खाओ, मुझ पर बदबू आती कि नहीं? आती है ना। प्याज काटो गई, पता चला कि प्याज कट रही है, आंखों से आंसू भी आ जाती है, हैं? प्याज की छोंक तो उसकी बदबू ही फैलती है। इसलिए ये ऋषि का अभिशाप है। जहाँ पर हड्डी गिरा वहां पर लहसुन की पौधा हुई है। इसलिए ये जो नवरात्रि आती है ना, इसीलिए गो मांस से बना हुआ, इसलिए नवरात्रि तो कोई इसको खाते ही नहीं, क्योंकि माता जी को पसंद नहीं, ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगता है। भगवान को जो हनुमान जी की व्रत रखते हैं ना, वो खाते नहीं सब चीज को, खाते नहीं ना सब, कोई नहीं खाते, कि उसका सृष्टि गंदी चीज से हुई। आप बोलोगे फिर हमारे घर में कहां से आ गई? आप बोलोगे ना, पहले इस सब चीज को निकृष्ट नीचे जाति के लोग खाते थे। ये मुसलमान लोग मांस मदिरा सब चीज उनका ही भोजन था,
किसी हिंदू का भजन नहीं था, क्योंकि हर हिंदू पहले हर घर में भगवान की पूजा होती थी, भगवान राम की, कृष्ण की, हनुमान की, हर घर घर में पूजा होती थी। पहले हर व्यक्ति ठाकुर को भोग लगा कर खाते थे, लेकिन ये लोग आकर के ना धीरे धीरे हमारे आदतों को, पहले प्याज खाओ, कुछ दिन बाद फिर अंडा ले आओ, फिर उसमें भरा नहीं, कुछ दिन बाद फिर लिया मांस ले आओ, क्योंकि ये जो स्वभाव है ना धीरे धीरे बिगड़ती है, ये स्वभाव धीरे धीरे हमारी बिगड़ती है। इसलिए क्या करो, ये चीज से दूर रहो, और जो कुछ खाना खाओ ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ। क्या करनी चाहिए? सुदामा जी का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? अब टीवी में देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा जंगल में गए थे, उनको गुरु माता चाना दिया था, सुदामा को दिया था कि नहीं? उसने छुपा छुपा कर खाए ठाकुर जी को, ठाकुर ने नहीं दिया, इसलिए भगवान के अभिशाप से गरीब बना उसने। इतने गरीब भोगा संसार में, खाने के लिए कुछ भी नहीं, क्यों? भगवान से छुपा कर खाए। पर धनी कब बना? फिर जब ठाकुर को दर्शन करने के लिए गए, बोले खाली हाथ में नहीं, हमें ठाकुर जी के लिए दो मुठी चिड़वा लेकर गए। अब देखे होंगे ठाकुर जी एक मुठी खाए, दो मुठी खाए, तीसरे मुठी खाने जा रहे थे, पूरी हाथ पकड़ी, बोली नहीं, अपने दो मुठी खाया मतलब सारे राज ऐश्वर्य घर में पहुंच गई, तीसरी मुठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बनना पड़ेगा। जब उसने वापस आया, क्या राज महल इसकी, क्या ठाट बार, हजार दास दासियां सेवा कर रही है, पत्नी राजकुमारी बन करके बैठी हुई, और पति को देख करके आरती उतारने के लिए आए। सुदामा सोच रही है कि राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है। सुदामा पीछे हटते जा रहे हैं, उनको पत्नी सुशीला बोली पीछे क्यों हट रहे हो? बोले तू है कौन राजकुमारी, मेरे तरफ में क्यों आरती लेकर के आई? बोले मैं आपको सुशीला हूँ। बोले सुशीला हो? देखा, बोले तू तो ऐसे लग रहे हो, क्या बात है? बोले ठाकुर जी के लिए दो मुठी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी राता रात ही सोचे थे, क्यों दिए? ठाकुर जी को भोग लगाए। हाँ, ये चीज को समझो, जब घर में ठिकाना है, घर में ठाकुर है कि नहीं, घर में ठाकुर है कि नहीं घर में? हाँ, जब ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे ना, घर में लक्ष्मी की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा। इसलिए देखो गीता की श्लोक है, कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन भुंजते तो अघम पापा जे पचत्य आत्मकरणा, जो अपना लिए बनाते हैं, मेरे को भोग नहीं लगाते हैं, वो पाप भोजन करते हैं, जो मेरे को भोग लगा कर खाते हैं वो अमृत भोजन करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्प दुखानाम हानि रस उपजाए थे, कृष्ण खुद कहते हैं मेरे को जो भोग लगा कर खाएगा उसको कभी जीवन में दुख कष्ट नहीं होगा, दुख कष्ट नहीं होगा, भगवान कहते हैं। इसलिए उसको जीवन में शांति सुख मिलेगा, इसलिए भगवान को भोग लगा कर खाओ। हाँ, बोलोगे प्याज लहसुन के बगैर स्वाद नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? अरे बोलो नहीं, ये प्याज लहसुन तो गुंडे हैं, ये कौन है? तो गुंडे, गुंडे क्या करते, सबको भगा देते हैं। जब दाल सब्जी में, दाल की एक अलग स्वाद है, सब्जी की एक अलग स्वाद है, सबकी अलग स्वाद, लेकिन प्याज लहसुन डालो ना सारे स्वाद हो खत्म, और प्याज लहसुन की बदबू आ जाती है, हम उसको ही स्वाद मानते हैं, वो असली स्वाद वहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है ना? हाँ, गर्म मसाला डालो, हींग थोड़ा डालो, अदरक, तो कितने तरह का मसाला आया है, चटर बटर खाना है ना, बढ़िया बढ़िया मसाला डालकर खाओ, ठाकुर जी को भोग लग गया, घर में प्रसाद बनेगा, ठीक है? भगवान भोग लगाओ, घर में शांति सुख रहेगा, और भगवान के नाम जप करना, ठीक है? सबके सब भगवान के नाम जप करो, यही नाम ही अंतिम समय में हमारी काम में आने वाली, ठीक है? एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब के सब, हाँ आ जाओ।